झारखंड से आई बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा झटका, गीता कौड़ा ने पार्टी से दिया इस्तीफा और बीजेपी में हो गई शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति में भी हलचल तेज होती जा रही है। नेताओं के दल बदलने की खबरें हर रोज सुनी जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब ये ताजा झटका झारखंड से है, जहां कांग्रेस की सांसद गीता कौड़ा बीजेपी का दामन थाम चुकी है। गीता कौड़ा राज्य के पूर्व सीएम मधु कौड़ा की पत्नी है। देखिए, देखिए पीछे जाना, कांग्रेस पार्टी जिस उनकी नीतियां आज देश हित में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वर्गों को बांटने का काम कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं आहत करने वाला है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, लगातार जनता के सवाल होते हैं और जनता की बात को ही लेकर के हमने आलाकमान को कई बार अवगत कराया कि ये हमें निर्णय लेना चाहिए राष्ट्रहित में, देश हित में, हमारे राज्य हित में। लेकिन आलाकमान हमेशा मौन धारण कर लिया और किसी भी सवाल का जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग कैसे क्षेत्र का विकास करें या जनता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोग कैसे काम करें? तो आदरणीय मोदी जी जिस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे विश्व में उनके नेतृत्व को लोहा लोग मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ही नेतृत्व में हमारे झारखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा। बता दें कि चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मिला है। राज्य के पूर्व सीएम मधु कौड़ा की पत्नी और पश्चिम सिंहभूम जिले की सांसद गीता कौड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई हैं। पार्टी में शामिल होने के समारोह में उन्होंने बताया कि वह कांग्रेस की रणनीतियों से खुश नहीं थी और ना ही राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से। गीता कौड़ा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता उन्होंने बाबूलाल मरांडी के साथ ली। मधु कौड़ा की पत्नी गीता कौड़ा फिलहाल पश्चिम सिंह भूम जिले की चाईबासा से सांसद हैं। चुनाव से पहले बीजेपी का ये झारखंड में बड़ा कदम माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी राजमहल और चाईबासा की हारी सीटों पर वक्त से पहले ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। अब गीता कौड़ा के बीजेपी में शामिल होने के पीछे का कारण भी आप थोड़ा जान लें। पार्टी के आंतरिक सर्वे में चाईबासा सीट से बीजेपी की सबसे मजबूत उम्मीदवार पार्टी का कोई चेहरा नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद गीता ही साबित हो सकती हैं। यही कारण है कि बीजेपी आलाकमान की नज़रें गीता कौड़ा पर पहले से लगी हुई थी और वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गई। हालांकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि चाईबासा से सांसद गीता कौड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं सामने आई हों। इससे पहले 17 जनवरी को उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें जोरों से चली थी। बहरहाल देखा जाए तो आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाने वाले नेता का नाम शायद ही आप ना बता पाएं, लेकिन कांग्रेस से कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये सोचने वाली बात जरूर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।